अंशिका ये क्या था, ये क्या था? अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, इट्स अ इवनिंग वॉक, तो हम इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं। वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं करूँगी। हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि करूँगी, बट कुछ टाइम तक करती हूँ फिर छूट ही जाता है। अंशिका ये क्या था, ये क्या था? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही बढ़िया हो और मज़ेदार हो। तो घर आने के बाद अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि घर आके लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, पर घर आके मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब काम में व्यस्त हो जाती हूँ। तो आज मैंने सुबह बनाई थी ये लहसुन की चटनी, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है ये, पर इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा स्पाइस ज़्यादा हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ना लाल मिर्च डाली थी, फिर मैंने थोड़ा और लहसुन यहाँ पर ग्राइंड किया है, तो इसको बैलेंस करना है, वो करते हैं अभी। अब मैं इसमें बिल्कुल भी रेड चिली नहीं डालूंगी क्योंकि पहले से इतनी सारी रेड चिली है, तो बस इतना करना है कि बैलेंस हो जाए। और ना पापा ये लेके आए थे तो आज ये बनेगा, रात को दिखाती हूँ। कटहल की सबसे बहुत टेस्टी होती है, पर यार वही है कि टाइम बहुत लगता है इसे बनाने में, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरीके से छील के लेके आए थे पापा, तो इसे कट कर लेती हूँ मैं, है ना। पिछली बार मैंने ऐसे ही डाल दी थी तो पकने में बड़ा टाइम लग रहा था। चॉपर में कट करती हूँ तो ज्यादा अच्छे से कट। और कल से है नवरात्रि, नवरात्रि में देखो छोटी मोटी पूजा तो हम करते हैं, कल क्या होने वाला पता नहीं मुझे। ये वाला पेस्ट डाल रही हूँ जो बनाया था अभी। वहां पे वो पक रही है तब तक मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस साइज में कट कर लेंगे। कुकर में डाल देती हूँ, चक्कू का रखती हूँ। सारे कट गए, इसको डाल देती कुकर में।
ये लहसुन की चटनी तैयार हो गई। इसे मैंने अच्छे से मतलब दोनों को मिक्स कर दिया है, तो उससे क्या हुआ, इसका जो तीखापन है ना, ज़्यादा तीखा हो गया था, इस वजह से दोनों को मिक्स करना पड़ा। अब मैं इसे एक कंटेनर में निकाल लेती हूँ। इसमें डाल देंगे पानी। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है, और कल आपको पता ही है नवरात्रि है, तो इसलिए फ्रूट्स वूट्स लेना है और बहुत सारी चीज़ें लेनी है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। और देखो बाहर क्या क्या मिलने वाला है। और मैं सोच रही हूँ वो भी ले, क्या मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ क्या के सामने। साबूदाना, साबूदाना भी ले आना। और नहीं, साबुन तेरे लिए बनाऊंगी, मैं तो खाती नहीं। मैं भी नहीं खाऊंगी कुछ भी। मैं खाऊंगी। आपके लिए और कुछ तो नहीं लाना कल के लिए। तो मेरे को भूल गए हम लोग। सूजी है? हाँ सूजी है। ठीक है, बस ये सब कुछ नहीं चाहिए। कल आप व्रत रख रही हो? मैं भी रख रही हूँ, मेरे को पूछे ओनली वन डे। तू भी व्रत रख रही है? मेरा वो बाद में वो खा लेगी सब खाना। लेट्स गो। तो गाइस हम लोग ना शाम को गए थे, तो शाम को गए ना तो यहाँ पे कोई भी फ्रूट ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, तो हमने आधा किलो अंगूर लिया कल के लिए, क्योंकि कल सब व्रत रखेंगे और फिर चढ़ाने के लिए भी चाहिए होता थोड़ा सा अंगूर। तो उसके बाद मेरी बहन ने बोला नींबू भी ले लेते हैं, क्योंकि ना हम लोग सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, या पता नहीं कुछ भी हो, रोटी हो, पराठा हो, इतना नींबू खाते हैं ना, इतना नींबू खाते, कभी कभी नींबू का पानी, नींबू की चाय, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, फिर जाके हमने सोचा कि चलो अपनी पेट पूजा भी कर ली जाए, तो हम लोगों ने गोलगप्पे भी खा लिए। उसके बाद घर में हम लोगों ने आइसक्रीम मंगाई थी, और आइसक्रीम में मुझे अमेरिकन नट्स ही पसंद है, तो वो वाली हमने फिर खाई आइसक्रीम ये वाली, और जोमेटो से मंगाई थी। प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया और अपने अपने घरों में सेफ हो। तो दोस्तों आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन, और हमेशा नवरात्रि के दिन मैं घर पे नहीं रहती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार ही मैं घर में हूँ, तो मैं इसका एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और मेरे को भी जानना है कि आप लोग कैसे नवरात्रि अपने घरों में बनाते हो। तो हमने तो मम्मी ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने फास्ट रखा है, और मेरी सिस्टर ने फर्स्ट टाइम ये फास्ट रखा है, तो फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है, उसने बोला है कि मैं कोशिश करूँगी, तो उस कोशिश को हम अप्रिशिएट करेंगे। और उसके अलावा
नवरात्रि की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो मैंने कल ही कर ली थी, थोड़ी बहुत ही सामान लेके आना था। हम जो पहाड़ी लोग होते हैं वो ये वाली जो नवरात्रि होती है जो होली के बाद आती है वो हमारे लिए छोटी नवरात्रि होती है, और जो दिवाली के बाद आती है वो बड़ी नवरात्रि होती है। तो छोटी नवरात्रि को हम छोटे स्तर पर बनाते हैं, और जो बड़ी नवरात्रि होती है उसको हम बड़े स्तर पर बनाते हैं। सबका अलग अलग वे है मानने का, पर हम लोग स्थापना ज़रूर करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो मम्मी भी स्थापना ज़रूर करते हैं, और फर्स्ट और लास्ट वर्ड रखने की कोशिश करते हैं। सो मम्मी ने और मैंने और सबने फास्ट तो रखा हुआ है, और रात को हम नॉर्मल खाना खा लेते हैं, जैसे रोटी बनाएगी मम्मी सब्जी। हमारे हमारे जब भी फास्ट होता है ना तो हमारी पेटेंट है कि हमारी रोटी बनेगी, आलू की तरी वाली सब्जी बनेगी, या चावल बनेगा, और शायद रायता भी बन सकता है। तो वो तो रात को मम्मी बनाएगी। तो आज मुझे नवरात्रि स्थापना करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। आप लोग बताना मैंने कैसे स्थापना की और आप लोग कैसे करते हो। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे नवरात्रि स्थापना की है, और बहुत सिंपल तरीके से की है, बट हाँ बहुत सही तरीके से की है। और हम लोग ना थोड़ा लेट उठे थे तो जल्दी 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 कर रहे थे, और अभी थोड़ा बहुत और काम है वो हम धीरे धीरे करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्थापना, और शाम के टाइम हम पूजा भी करेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो शाम तक शायद हम पूरा अच्छे से रेडी कर लें, अभी थोड़ा बहुत मतलब पूजा वूजा कर ली टाइम से। और चलिए अब चलते दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो जगह थी यहाँ पे एक मंदिर घर था, तो बहुत ऊंचा था, तो इतना ऊंचा था ना कि हमारे घर में सब शॉर्ट हाइटेड है, तो हम लोग ना भगवान की शक्ल नहीं देख पाते थे, सिर्फ दिया जला देते थे और भगवान की शक्ल नहीं दिखती थी। तो फिर मैंने वो पूजा घर यहाँ से निकलवाया और फिर मैंने यहाँ पर अपना पूजा घर बनाया। तो ये मेरे सारे प्यारे प्यारे भगवान हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि माता को ऊपर बिठाऊं, बट क्या हो रहा था कि माता को ऊपर बिठाने से ना मैं सामान नहीं रख पा रही थी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसका स्पेस थोड़ा कम है। तो मैंने सोचा चौकी बैठाऊं, तो चौकी बैठाने से माता जी नीचे हो जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा इस तरह का मेरे पास स्टैंड था, तो मैंने उसमें माता जी को बैठाया, और यहाँ पर ऊपर हमारे सारे भगवान हैं। तो मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसा लग रहा है, सिंपल बट सोबर सा। तो सुबह की हमने पूजा कर ली है, और सुबह हमने फ्रूट भगवान जी को दिया है, शाम को हम कुछ मीठा बनाएंगे तो वो देंगे। तो अभी शाम को ना मैंने चाय बनाई है, हम चाय में थोड़ी तुलसी और अदरक डालते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मम्मी बनाएगी आलू की सब्ज़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मम्मी को ना सारा, अभी जब से मैं आई हूँ तो सारा काम ऐसे बना बनू के दूँगी, तब जाके मम्मी बनाएगी। तो ये आलू रख रही थी मैं। सो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, चाय वाय हमने पी ली है, और पता नहीं मैं कैसी दिख रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है मैं सही दिख रही हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इसलिए शायद ख़राब भी दिख सकती हूँ। तो अभी मैंने मम्मी को बोला है प्रसाद बनाने को, तो आज फर्स्ट इसलिए हम प्रसाद बना रहे हैं, नहीं तो हम फ्रूट्स व्रूट्स भी चढ़ाते हैं, फ्रूट्स हमने चढ़ाए हुए हैं, इसलिए आज हम प्रसाद बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं मम्मी प्रसाद में क्या बनाएगी। तो चलो किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बना दी, बहुत टेस्टी बनी थी। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, पर हमारे घर में व्रत में आलू की सब्ज़ी बनेगी का मतलब यही सब्ज़ी बनेगी। तो ये बन गई है, अब चलो पूजा करने चलते हैं। सेवक सिर गए तुम्हारी,
ये सब मम्मी ने बनाया है, आप चाहे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। सूजी का हलवा और थोड़े से फ्रूट्स, आलू की सब्ज़ी, रायता, रोटी। तो दुआ करती हूँ आपकी भी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही होगी, अच्छे से। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फॉर नाउ।